नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं आपको पूरा डीपली बता रही हूँ ताकि समझने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक ईवीएस के बुक के अनुसार आपको मैं बताई थी, जिसका नाम था हमारा भोजन। अब उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको पता चल जाएगी कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके फटाफट सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी परिस्थिति में खाना जल्दी खराब होगा। ऑप्शन दे रखा है नमी व कम ताप पर, नमी व अधिक ताप पर, शुष्क व अधिक ताप पर, किसी भी स्थिति में। तो ध्यान रखिएगा, जब हाई टेम्परेचर यानी नमी व अधिक ताप पर आपका जो खाना होगा वो जल्दी खराब होगा, क्योंकि उसमें जीवाणु जो होते हैं जल्दी सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण खाना जो है वो जल्दी खराब हो जाता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, नमी व अधिक ताप पर। दूसरा है हमारा कि कुपोषण के कारण रमेश, जिसकी उम्र 6 वर्ष है, उसके पैरों में दर्द रहता है, वह अपनी उम्र से बड़ा दिखाई देता है, वह आलसी भी हो गया है। क्यों? वह टीवी ज़्यादा देखता है। इससे कुपोषण के रोग का नाम क्या है? अब इसमें रोग का नाम पूछ रहा है, ऑप्शन भी आपको 4 दे रखा है। तो मैं आपको बताई थी कि क्वासिक्योर रोग जो है उसमें बच्चे क्या होते हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा अधिक दिखाई देते हैं, उनके पैरों में दर्द रहता है, उनके अंदर जो है आलसीपन बना रहता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। तीसरा है हमारा कि सुनीता की दादी अचार बनाते समय उसे धूप में सुखाकर नमक डालकर रखती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसमें कारण पूछ रखा है, आपको स्वाद इसका अचार जो है आपको ऑप्शन भी दे रखा है। तो जो दादी हैं सुनीता की, उन्होंने क्या किया है कि आम काटकर उसे धूप में सुखाकर नमक डाल के वो रख रही हैं, उसके पीछे कारण क्या है? तो स्वाद को बढ़ाने के लिए। पहला ऑप्शन हमारा रहा कि स्वाद को बढ़ाने के लिए, फिर बी है हमारा कि नमी को निकालने के लिए, तीसरा है वजन कम करने के लिए, चौथा है अचार बनाने का यह पुराना तरीका है। तो मैं सीधा आपको आंसर बता रही हूँ जो इसका सही है वो होगा बी, नमी को निकालने के लिए। फोर्थ है हमारा कि हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण होता है। अब इसमें अवशोषण पूछ रखा है तो कहाँ होता है? तो आपकी जो छोटी आंत होती है, पेट के अंदर जो छोटी आंत हमारी होती है, उसी के दीवार में होता है, यानी कि ऑप्शन जो होगा इसका सेकंड यानी बी सही होगा, छोटी आंत के दीवार से होता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पे एक हमको यहाँ पे आरेख दे रखा है, इस आरेख से ही हमको क्या करना है, ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए, ये पूरा का पूरा जो मैंने ग्राफ बनाई हूँ, ये पूरा का पूरा जो मैंने ग्राफ बनाया है ये आपके लिए बनाया है, जो कि बहुत ही अच्छे से हमने बनाए हैं। फिगर है हमारा 1 2 3 4 5, पांच संख्या दे रखी है और 5 बॉक्सेस भी दे रखा है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसीलिए मैं यहाँ पे पोटअप करती हूँ। वैसे तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे ही इसके ऑप्शन को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये फिगर जो है लेफ्ट टू राइट यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, छोटे से बड़ी की तरफ। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है कि पहले नंबर पर जो आएगा वो सूरज होगा, दूसरे नंबर पर आएगा वो पौधा होगा, तीसरे नंबर पे बकरी होगी, चौथे पे शेर होगा और पांचवे पे मनुष्य होगा। क्योंकि सूरज के कारण पौधे उगते हैं, पौधों को बकरी खाती है, बकरी को कौन खाता है तो शेर खाता है, और शेर को कौन खाता है तो मनुष्य खाता है। तो जो चीज़ें ऐसे आप समझो कि जो चीज़ें जिसके नीचे दबी होती है उसी के हिसाब से ये लगाया गया है। तो उस हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा। दे रखा है कि पहले में सूरज, तीसरे में बकरी और पांचवे में मनुष्य। तो जब मैंने इसको बैठाया तो पहले नंबर पे हमारा सूरज होगा, तीसरे पे बकरी और पांचवे पे मनुष्य। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो थर्ड होगा। छठा कह रहा है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होता है, क्योंकि पाचन रस आमाशय के अंदर अम्लीय हो जाता है जबकि बाहर यह क्षारीय होता है।
दूसरा है आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचन रस का उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा है पाचन रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो वह निष्क्रिय हो जाता है। चौथा ऑप्शन है कि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिसके उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और इसकी क्रिया तेज हो जाती है। तो मैंने आपको पढ़ाई भी थी कि आमाशय के अंदर जो भोजन होता है ना उसके टुकड़े टुकड़े में जो हम बढ़ते हैं तो जो पाचन रस होता है वो क्रिया करने लगती है, तो उसको पीसती रहती है जिसके कारण भोजन के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा, यानी कि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है तभी तो वो उसका क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, जिसकी उसकी सतह के क्षेत्रफल बढ़ जाता है और इसकी क्रिया तेज हो जाती है। और सातवां है हमारा कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं। अब देखा होगा आपने कि पके हुए चावल या किसी भी प्रकार की सब्जी हो उसे हम फ्रिज में रखते हैं। क्यों रखते हैं? काफ़ी लंबे समय तक वो ख़राब ना हो इसलिए उसे बचाने के लिए हम फ्रिज में रखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो होगा पहला ऑप्शन वो होगा क्यों कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। फ्रिज जो ठंडा रहता है तो वहाँ पे जीवाणु जो होंगे वो क्या कम जो है वो निष्क्रिय जो होंगे जो सक्रिय हो पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे इसलिए। आठवां कह रहा है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसा चॉकलेट व डबल रोटी खाना पसंद करती है जबकि दिव्या ऐसे भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में क्रमशः कौन सी बीमारियां होंगी? यहाँ पे बीमारियां पूछ रहा है कि एक जो है वो समोसा चॉकलेट व डबल रोटी खाना पसंद करती है जबकि दूसरा जो हो वो लौह तत्व की कमी वाला खाना खाती है। तो बहुत छोटे से बेसिक क्वेश्चन था इसीलिए मैं इसमें ऐड की हूँ। जब मैं आपको डिजीज यानी कि रोग वाला चैप्टर पढ़ाऊँगी तो उसमें मैं इस बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कराऊँगी। तो मीरा फैट वाला जो सामान है वो ज़्यादा खा रही है और दिव्या जो है वो आयरन वाला कर रही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी यानी कि मोटापा और एनीमिया। तो मीरा जो कर रही है उससे मोटापा होगा और दिव्या जो खा रही है उससे लौह तत्व की कमी होगी यानी उससे हमारा एनीमिया रोग होगा। नाइन्थ हमारा कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो अब कह रहा है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो आपको ऑप्शन दे रहा है कि स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करने हम ताकतवर बनते हैं, हीनताजन्य रोग से बचाव के थोड़ी मात्रा में आवश्यक है या फिर हमारी उपाचय बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। आपको चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो विटामिन एक ऐसा पदार्थ है जो आपके अंदर रोगों से आपकी क्या करता है वो रक्षा करता है। तो हिसाब से कौन सा होगा? तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड यानी कि हीन ताजे रोग से आपको बचाव में थोड़ी मात्रा में ये आवश्यक होता है। कह रहा है कि भैंस के पीठ पर बैठकर अक्सर बगुला यानी कि ईग्रेट पक्षी जो होता है वो बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस के पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, बी है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करना पसंद करता है, सी है भैंस के पीठ पर परजीवी कीट खाता है, डी हमारा है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। तो कौवा भैंस के पीठ पर बगुले नामक जो पक्षी बैठे दिखाई देते हैं ऐसे गांव में आप देखे होंगे, तो ऐसा क्यों? क्योंकि भैंस के पीठ पर जो कीट चल रहे होते हैं उसको बगुला खा लेता है जिसके कारण पक्षी को भोजन मिल जाता है और भैंस को कीड़े से निजात मिल जाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो होगा हमारा वो सी होगा यानी कि भैंस के पीठ पर परजीवी कीट खाता है। अब कह रहा है कि भारोत्तोलक का प्रयोग ज़्यादा मांसपेशियाँ और बड़ी मांस बनाने की आवश्यकता होती है, इसी उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसे आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश डैश से भरपूर हो। तो देखा होगा कि जो वजन उठाते हैं उनको मांसपेशियाँ या फिर मांस जो होते हैं वो बनाने की ज़रूरत होती है, तो उनको अपने शरीर की क्या करनी होती है, वृद्धि करनी होती है। ऐसा उद्देश्य के लिए उन्हें आहार लेना पड़ता है जो कि डैश डैश से भरपूर हो यानी प्रोटीन से वो भरपूर हो, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। तो ऑप्शन जो होगा इसका फोर्थ होगा यानी कि डी होगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से
भोजन बनाने वाले का कौन सा तरीका अच्छा है? पहला है हमारा कि सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। बी हमारा कि सब्जियों को काटना और पकने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, ऐसे तो खराब हो जाएंगी। सी है हमारा कि बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए सब्जी को गहरे चलते हुए पानी में डालना। या फिर डी है हमारा कि सब्जियों को अच्छी तरह धोना और फिर काटना। तो जो इसका सही ऑप्शन है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, वो होगा डी, यानी कि सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, मतलब काटने से पहले सब्जियों को अच्छी तरह से धोना होता है। फिर दिया है हमारा कि यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? यानी ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिज लवण। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाने में होता है, जो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें कुछ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये क्या कर रहा है कि ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रहा है बच्चों को, ताकि बच्चे समझ पाएँ, क्योंकि चावल, ब्रेड और शक्कर में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके मतलब ढंग दिए गए हैं। पहला है तलकर, भिगोकर, भूनकर। दूसरा है सेककर, भूनकर, उबालकर। तीसरा है उबालकर, भूनकर, गूंथकर। और चौथा है भूनकर, उबालकर और फिर बेलकर। तो ये तो मैं साफ साफ आपको एक्सप्लेन की थी, अच्छे से बताई थी और आप समझ भी गए थे। तो इसका जो जवाब होगा वो आप हमें कमेंट द्वारा बताइएगा कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।